अश्विनी कुमार मिश्र, दिन भर की खबरों को हम समेट कर हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में किया गया पेश, विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को मिलेगा न्याय। विपक्षी दलों ने विधेयक का किया विरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बाद से लगातार पूंजीगत व्यय पर ध्यान देकर ज्यादा राशि खर्च कर रही है सरकार। कहा, वर्ष 2023-2024 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 18% रहा। राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा को लौटाया गया। ईएमआई की दरों में नहीं होगा कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर रखा स्थिर। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के क्लिनिकल ट्रायल में मंजूर की गई दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल की छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में किया बदलाव। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवा सीधे भारतीय बाजार में होगी उपलब्ध। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का कोलकाता में हुआ निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर व्यक्त किया शोक। प्रधानमंत्री ने भट्टाचार्य को बताया बेहद प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा करने वाला दिग्गज नेता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के दौरे पर वहां के गवर्नर जनरल और उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए हैं कई महत्वपूर्ण कदम। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण। मोहम्मद यूनुस ने ली सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ। कानून व्यवस्था को बहाल करने को बताई प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई। कहा, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता 4वां पदक। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीता कांस्य पदक। भाला फेंक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरी बार गोल पर रहेगी नजर। वहीं कुश्ती में अमन सहरावत सेमीफाइनल में हार के बाद खेलेंगे कांस्य पदक के लिए मुकाबला। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। किरेन रिजिजू ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर गुरुवार को रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को सदन में पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। इस बिल को पेश करने पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने आपत्ति भी जताई। दिस इज अ क्लियर अटैक ऑन फेडरल सिस्टम आल्सो। वक्फ प्रॉपर्टीज, दिस एक्चुअली द नेटिग्रिटी ऑफ द थिंग्स डीलिंग बाय द स्टेट्स रूल्स एंड द डाटा कलेक्शन एवरीथिंग। दिस बिल इज टेक अवे ऑल द डाटा कलेक्शन टू द सेंट्रल साइड। देखो, अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना के शिंदे गुट सहित एनडीए के सभी प्रमुख दलों ने समर्थन किया। जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया जाएगा। ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। इसमें
हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश की है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर। मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों के नेताओं से बात करकर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। जाहिर है अब संसद की समिति वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी और समिति की सिफारिशों के बाद ही लोकसभा में बिल को सदन के पटल पर फिर से रखा जाएगा। नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ बोर्ड और संपत्तियों में सुधार को लेकर देश भर से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं दिन भर जारी रही, लेकिन लंबे समय से सुधार की उम्मीद लगाए लोगों ने समर्थन में बयान दिए हैं। ऐसे सभी लोगों को उम्मीद है कि विधेयक के जरिए शुचिता और पारदर्शिता स्थापित होगी, भविष्य में होने वाले वक्फ संपत्ति के विवाद भी कम होंगे। जिस तरीके से आमदो खर्च पोर्टल पे डाउनलोड होना चाहिए उसका हम सपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति करोड़ों अरबों के हिसाब से है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती है, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस संस्था हमारी ये वक्फ बोर्ड इसके हित में भी काम हो पाएंगे। वक्फ बोर्ड वो एक इंच जमीन का भी मालिक नहीं है, काम धार्मिक है, धार्मिक में आप उसको सुधार कर सकते हैं, उस पर आप गवर्नमेंट सुधार कर सकती है। हमको ये देखना है कि उसमें क्या सुधार हुआ है, क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर सुधार होगा तो हम साथ देंगे, अगर सुधार नहीं होगा और सब हम देखेंगे वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है और नियत ठीक नहीं है तो हम उसकी भी मुखालिफत करेंगे। ऐसा कानून बने जो सबके हित में हो, बस हम ये चाहते हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था। इसको अगर हम लोग अगर सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज तकलीफ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज उस तरह से हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पर उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं उसका फंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वक्फ के जो मामले हैं उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ संपत्तियों को पहले संरक्षित करने की ज़रूरत है और जब वक्फ संपत्तियाँ संरक्षित हो जाए तो उद्देश्य से औकाफ किया गया था, मतलब जो वक्फ की संपत्तियाँ वक्फ की गई थी वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रहा है। बहुत से वक्फ ऐसे हैं, ज़मीनें हैं जिस पर अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण है और इसमें शिया हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो और सब पे जो है बहुत अधिकतर लोगों जगह पर जो है अवैध कब्जे हैं, इसमें मुतवलियों का रोल बहुत गड़बड़ है, तो काफ़ी भ्रष्टाचार है, ज़मीनें बिक रही हैं, लोग जो किराया ले रहे हैं वो आधा अपनी जेब में रख रहे हैं, आधा वक्त के में जमा करते हैं, तो वक्त की स्थिति भी बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले हम तो मांग करेंगे कि सरकार जो है वक्त बोर्ड को और सशक्त बनाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिश थी उसी को सरकार ने अमल में लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने
खास बातचीत की। वफ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेज दिया गया है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज बाबू, विपक्ष जो है खूब हाय तोबा मचा रहा था कि कंसल्टेशन होना चाहिए, सरकार ने जेपीसी में भेजकर क्या विपक्ष की मुंह? ये विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ने की साजिश और मुसलमानों में भ्रम फैलाने के लिए वक्फ बोर्ड पर ये कदम उठाए, उसमें केवल ट्रांसपेरेंसी का मामला है और इतना हंगामा किए, हमें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि वो सही है, जेपीसी में भेज दिया, आपने कहा हमने भेज दिया। हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए कर रहे हैं, मुसलमान में गरीबों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं चाहते। ये कहा भी जा रहा था कि जैसे सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत पहले आई थी, उसने कहा कि मुसलमानों में गरीबी है, वक्फ वोट जो है उसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन पहले नहीं कर पाए और अब जब सरकार करने चली है तो हम कह सकते हैं कि एक अनावश्यक जो तुष्टिकरण या मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसको साधने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण पॉलिटिक्स करना, एनडीए सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो पहले के जेपीसी कमेटी के रिपोर्ट रिकमेंडेशन उसी को लागू किया, जो पहले के सच्चर कमेटी का रिपोर्ट रिकमेंडेशन था वही वक्फ बोर्ड में हमने की है, लेकिन तुम पियो तो पुण्य, मैं पियो तो पाप, ये कैसे चलेगा? तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा होती नहीं है, हम आहें भी भरते हैं तो चर्चा। क्या जेपीसी में लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, हमारे तरफ से केवल ट्रांसपेरेंसी है, चर्चा होगी, हमने डाल दिया है, अध्यक्ष उसकी पूरी सूची बनाई है। बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जो उसकी सिफारिशें थी, हम उसको ही जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अनावश्यक तौर पर सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो हैं वो जानबूझकर ऐसा कर भ्रम फैला रहे हैं। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। संसद से वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया है। वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिए गए। वित्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई 2024 से पहले किए गए संपत्ति के हस्तांतरण पर लोग पुरानी या नई किसी भी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। Having heard a lot of inputs which have come from people, we have brought in a government amendment and changed that. So the current tax proposal for land and building assets acquired by individuals and HUF before 23rd July 2024, it stipulates that in the case of transfer of a long-term capital asset, being land or building or both, by an individual or HUF, which is acquired before 23rd July 2024, the taxpayer can compute his taxes under the new scheme, that is 12.5% without indexation, and old scheme 20% with indexation, and pay such tax which is lower of the two. So we are giving the option to the taxpayer. राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी की है, जिससे देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी पेग्ड एट 15.02 लाख करोड़ और 18% ओवर 23-24। सो वी आर कंटिन्यूअसली सिंस आफ्टर कोविड emphasizing and spending higher and higher amounts in capital expenditure. We can always say global challenge and leave it at that, but each one of the challenge has an impact on India, and despite that, since after COVID, with this emphasis given on capital expenditure,
whose multiplier effect, whose traction is so much in the economy, which is an established theory that you spend on capital and you reap the benefit of sustained growth, that multiplier effect has sustained India as the fastest growing economy continuously since after COVID. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि सरकार वेतनभोगी कर्मियों को लगातार राहत दे रही है. उन्होंने बताया कि वेतनभोगी कर्मियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है. ऑल टैक्स पेयर्स हैड अ रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अप टू 37,500 क्रोर्स लास्ट ईयर. दिस गवर्नमेंट हैज अगेन रिवाइज्ड द स्लैब in the new regime, this time also. 17,500 rupees is the effective relief for the salaried class. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in this finance bill. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees in private sector, which was missing all these years, public sector employees had it, but private sector employees will get it now. And public sector banks opting for new tax regime has been raised from 10% to 14% in this budget. विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में भारी बवाल देखने को मिला. विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थिति संभालने की कोशिश की. हालांकि जब हंगामा बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने आसन को छोड़ दिया. उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं दुखी मन से आसन छोड़कर जा रहा हूं. संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को जमकर कामकाज देखने को मिला. राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश की. सदन में इस मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू नॉट ओनली कंसर्न टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल. नो दिस फोगाट यू वांट टू डिस्कस इट. Yes. Discuss and who is behind this and how only 100 grams. Nothing else is going on record. इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है. जेपी नड्डा ने कहा कि ये देश का सवाल है और दुर्भाग्य है कि इसे भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है. मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़. दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं. सदन में विपक्षी सांसदों के रवैये और टीएमसी सांसद के चेयर की ओर चिल्लाने से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज नजर आए. राज्यसभा के सभापति विपक्षी सांसदों के रवैये से आहत होकर सदन से उठकर भी चले गए. मिस्टर डेरेक ओब्रायन, यू आर शाउटिंग एट द चेयर. योर कंडक्ट इज अग्लीस्ट इन द हाउस. यू आर शाउटिंग एट द चेयर. आई कंडेम योर एक्शन. नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द डोर. हाउ डेयर यू शाउट एट द चेयर. सदन में विपक्षी सांसदों के रवैये की नेता सदन ने भी आलोचना की. बात प्रश्नकाल की करें तो दोनों सदनों में गुरुवार को कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए. अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले. इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप चनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है. देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है. राज्यसभा में दोपहर बाद वित्त विधेयक पर चर्चा पूरी की गई. वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा से पहले ही पारित कराया जा चुका है. गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है. ऐसे में तेजी से विधायी कामकाज निपटाए जा रहे हैं. अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज. हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी खुद दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सभी कर्मचारियों का आजीवन भविष्य सुरक्षित होने की बधाई भी दी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो एचकेआरएन के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2024 का उद्घाटन किया और फुटवेयर उद्योग की ओर से लगाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में देश विदेश के फुटवेयर उद्योग से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये मेला 3 दिन तक चलेगा। यहाँ आए लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे रही है और जल्द ही भारत इस क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर एक पर होगा। माई डोर्स, द डोर्स ऑफ माई मिनिस्ट्री और एनी अदर विंग ऑफ द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। यू हैव यूनिक कैपेबिलिटीज, वेदर इट्स ट्रेडिशनल फुटवेयर, वेदर इट्स मॉडर्न फुटवेयर, बोथ लेदर और नॉन लेदर, वेदर इट्स ओपन शूज, सैंडल्स, कोल्हापुरी चप्पल्स, ट्रैक शूज और हाई क्वालिटी लेदर वेयर, आई थिंक इंडिया इज पॉइज्ड टू बी अ मार्केट लीडर इन द वर्ल्ड इन ईच ऑफ दीज सेक्टर्स। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत को एकता के सूत्र में पिरोता है। हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतिबिंब है। शेखावत ने देशवासियों से कहा कि 9 से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर तिरंगा फहराया जाए और इससे जुड़े कार्यक्रम मनाए जाएं। इस मौके पर पूरा विश्व भारत की सामूहिकता की शक्ति देखे। सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए और इससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम आयोजित हों। मैं आप सबका इसके लिए सहयोग और आप सबका समर्थन ऐसा चाहता हूं। साथियों, इस बार भी जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के जो है बस ऑपरेटर्स, देश के जो है नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके, देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके और हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे इस संकल्प को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए देश को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं भारतवासी। इस अमृत काल में प्रवेश के साथ ही जो भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को चिरस्थायी बनाते हुए, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए हम देश संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित बनाने में जुटेंगे। इस संकल्प को स्थापित करने में भी इस तिरंगा उत्सव ने निश्चित ही एक बड़ा योगदान किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा 6वीं से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी।
ग्रीष्मकालीन जेएनवी के लिए 18 जनवरी 2025 को और शीतकालीन जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए 12 अप्रैल 2025 तिथि निश्चित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल चालू किया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.navoday.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। आईआईटी दिल्ली के अबूधाबी स्थित कैंपस में अगले महीने से अंडर ग्रेजुएट बैच की शुरुआत हो जाएगी। ये जानकारी देते हुए आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंगन बनर्जी ने बताया कि इस साल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है। इसमें हर कोर्स में 30 छात्रों को दाखिला मिलेगा। उन्होंने बताया कि यूएई के स्थानीय छात्र और वहां रह रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अलावा जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले भारतीय छात्र भी अबूधाबी कैंपस में दाखिला ले सकेंगे। This year it is 30 students in each batch. 10 students will be Emirati students. And for that we have a two-stage process. They have to have a particular cutoff in MSAT, which is the exam that they have in the Emirates. And then they can sit through an exam which we have conducted. Our JEE Advanced team has been conducting in Abu Dhabi. And based on that, a ranked list is prepared. This is our first year of experience, but the classes are supposed to start in early September. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर रहेंगे। यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। इससे पहले विदेश मंत्री ने जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले टोक्यो गेम्स में भी भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। भारत की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 4था ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले भारत के 3 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में आए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां मेडल जीता है। अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक भारतीय टीम जीत चुकी है। राष्ट्रपति ने भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हमारी हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। यह 5 दशक से भी अधिक समय के बाद हुआ है। भारत ने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। यह और भी खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार 2रा पदक है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच इस खेल को और भी लोकप्रिय बनाएगी। और पेरिस ओलंपिक में स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। नीरज आज देर रात जब जेवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे तो उनका इरादा एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक के इतिहास को दोहराते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर रहेगा।
भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 में शानदार डेब्यू किया और 19 साल की उम्र में साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अब नीरज ने एक बार फिर एथलेटिक्स की स्पर्धा में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बने। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2022 में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया और 2023 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने कहा कि नीरज आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नीरज एक बार फिर देश को खुशियां देंगे। नीरज के पिता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। हॉकी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इंडियन कंटिंजेंट को, मतलब चौथा ब्रॉन्ज हमारा हो गया पेरिस ओलंपिक्स में। और हम इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर में हैं, खंडरा गांव में, आप देख सकते हैं पानीपत के नजदीक, और तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। मिठाई बन चुकी है, स्क्रीन बड़ी लग चुकी है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है और जैसे जैसे नीरज का मुकाबला नजदीक आएगा यहाँ पर भीड़ और बढ़ेगी। और उनके पिताजी, उनके नीरज चोपड़ा के चाचा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं काफी। और पिताजी सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले हॉकी का ब्रॉन्ज आया, बड़ी खबर निकलकर सामने आई, अब नीरज चोपड़ा का मुकाबला होने वाला है थोड़ी देर में, सब तैयारियां हो चुकी है सेलिब्रेशन की? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से सारी तैयारियां हैं, लोग भी जुटने लगे हैं। अभी 12 बजे के करीब मैच है, 11:55 पर शुरू होगा, तो सभी खाना खा के अपना तैयारी करके भाई सभी आराम से बैठ के मैच देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। नीरज से आपकी पिछली बार कब बात हुई थी और ट्रेनिंग, हमें सबको पता इतने फोकस्ड हैं वो, आखिरी बार पिछली बार कब घर आए थे और पिछली बार फोन पर कब बात हुई? वो पीछे जनवरी फरवरी में ही घर पे था, 2-3 दिन रह के गया था, तो उसके बाद अब तक वो बारी है। और जो उसका मतलब एक ट्रेनिंग शेड्यूल है वो उसके कोच के अनुसार होता है, उससे बाहर वो निकलता नहीं है, जैसे वो बोलते हैं वैसे उसको करना होता है। 4-5 दिन पहले फोन पे बात हुई थी तो यही था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो मेरी तैयारियां हैं उसके अनुरूप मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा देश की खुशी दिलाने के लिए। आपके मन में तो कोई डाउट नहीं है ना, एक ग्रेनेडा के हैं, जैवलिन थ्रोवर जर्मनी के हैं, जितने खिलाड़ी वहाँ क्वालिफिकेशन करके जाते हैं वो सभी कॉन्फिडेंट होते हैं, सभी अपने देश के प्रति मतलब सजग होते हैं, सबको पता अपने देश के लिए मेडल जीतना है। वहाँ इस मंच पर बहुत ही मतलब एक टफ गेम है, तो सभी का मतलब एक उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट के हिसाब से हमें लग रहा है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा और मेडल के लिए अपना मतलब पूरा जोर लगा देगा। चलिए, नीरज को अगर हमारे माध्यम से वो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना इंजरी से बच के अच्छे से प्रदर्शन करना, जो हम अपना 100% दे सकते हैं उस पर अपना जोर लगाना कि देश में दोबारा 2020 की तरह दोबारा खुशियाँ लौटें और पूरा देश सेलिब्रेशन करे। चलिए, पूरा देश सेलिब्रेट करे। और नीरज चोपड़ा के पिताजी काफी कॉन्फिडेंट हैं, गांव वालों से हमारी बात हुई वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है नीरज चोपड़ा का मेडल आएगा तो सेलिब्रेट करने के लिए। कैमरामैन ललित के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विनेश फोगाट को भले ही कोई पदक नहीं मिला हो, परिस्थितिवश उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया, बावजूद इसके वो देश की हरियाणा की बेटी हैं, उनका जुझारूपन और उनके व्यक्तित्व पर देश को नाज है। ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार ने उन्हें ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता जैसी सभी सुविधाएं देने का फैसला किया है। विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं उस दिक्कत के कारण, क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे, उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे, हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊँचा किया है परंतु भारत का नाम भी उसने ऊँचा किया है।
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अपनी शुभकामना दी है। उन्होंने विकास और लोगों को साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, नया दायित्व संभालने के लिए मोहम्मद यूनुस को मेरी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है हम जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित होगी। भारत बांग्लादेश के साथ लोगों की साझा आकांक्षाएं शांति सुरक्षा और विकास कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में सरकार की अलग अलग पहल के जरिए बायोफार्म इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान की जा रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कॉन्क्लेव के दौरान पिछले 5 साल में मिशन के जरिए आए बदलावों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की वजह से आए बदलाव पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही 5वें से 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी, जिसमें बायोफार्मा सेक्टर का महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर से अपना योगदान निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि PPP मॉडल से बायोफार्मा इंडस्ट्री के विकास को गति मिलेगी और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। India is moving upward as an economy. We are already fifth, going to be fourth, going to be third in next 2-3 years. And when we reach the top, which is of course envisaged as 2047, it could be earlier also, bioeconomy is going to play a very important component in India's future growth story, in the future growth economy. Planned and suggested, moved a proposal for having another policy for biomanufacturing, where we would have a dedicated program with the separate budgeting, and coupled with that, the National Research Foundation, the Anusandhan, which you name, which will have about 70-60% of contribution from the non-government resources. नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने हिस्सा लिया। उन्होंने पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और एक एक बूंद से सिंचाई की पद्धति पर जोर दिया। जल संकट वैश्विक चुनौती बन चुकी है। जल संकट का समाधान कैसे हो, कैसे पानी की खपत को रोका जाए, कैसे पानी का इस्तेमाल हो, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। निश्चित रूप से ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है लोगों में अवेयरनेस लाने का, कि लोग समझें कि वाटर के इफिशेंसी को हमको बढ़ाना है, वाटर यूज़ को कम करना है, लोग अनावश्यक पानी ना बहाएँ। वाटर हमारे लिए एक बहुत ही प्रेसियस चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, और इसके इस्तेमाल को सही ढंग से करें ताकि आने वाले जनरेशन को पानी की कमी ना हो। कैसे पानी का दोबारा यूज हो, जिसको रियूज आपने कहा, जैसे इंडस्ट्री में या बाकी जगहों में, तो उसके लिए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, हम लोग एक तो जितना पर डे हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट एज ए ग्रे वाटर हम लोग निकल जाता है। ग्रे वाटर का मतलब ये होता है कि जो वाटर सॉयल फीकल मैटर से या यूरिन से कंटामिनेटेड नहीं है, तो वैसे वाटर को हम लोग इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे घर आंगन में पौधे होते हैं, वैसे पौधे को सिंचित करने के लिए, या बगल में कोई खेती बाड़ी ऐसी है जहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग, एक पानी का दोबारा यूज़ हो सकता है, और इससे क्या है कि हम वेस्ट जो सिंचाई में दूसरा पानी लगाते हैं उससे हम बच सकते हैं और पानी के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के जरिए भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।